देखिए, हर उम्र में किसी एक खास ग्रह का प्रभाव होता है और बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण उम्र होती है किशोरावस्था। 12 साल से लेके 24 साल तक की जो उम्र है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में टीन एज कहते हैं, ये किशोरावस्था एक ऐसी स्थिति है जब बच्चे के बिगड़ने की, बनने की, भटकने की संभावना बहुत होती है। और इसी उम्र में उसके अंदर अच्छी या बुरी आदतें भी आ जाती हैं। इसीलिए टीन एज में, किशोरावस्था में बच्चे को संभालना बड़ा आवश्यक होता है। किशोरावस्था में किन ग्रहों का प्रभाव होता है? 12 वर्ष की उम्र के बाद, 12 साल से लेकर के 24 साल की उम्र तक सामान्यतः बच्चों पर बुध का प्रभाव होता है। ये बच्चों को युवावस्था तक ले जाता है, क्योंकि यंग एज शुरू होती है 24 वर्ष की अवस्था से। तो वहां तक जो ग्रह पहुंचाता है वो है बुध। बुध के कारण इस समय बच्चों की सोच में, उनके वाणी में और उनके शरीर में काफी बदलाव होते हैं, काफी चेंजेस आते हैं। बच्चों के अंदर इस समय काफी आदतें भी आ जाती हैं, बहुत सारी हैबिट भी डेवलप हो जाती है। अगर इस उम्र में बच्चे के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो बच्चे के अंदर अच्छी आदतें आती हैं, और अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो बच्चा भटक जाता है, बच्चा बिगड़ जाता है, बच्चे के बिगड़ने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक बच्चों के जीवन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी उम्र में उनके अंदर खराब आदतें, गलत संगति, गलत वाणी, ये सब डेवलप हो सकता है। इसीलिए इस उम्र में मोटे तौर पे जब वो किशोरावस्था में हैं, टीन एज में हैं, उस समय बच्चों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। टीन एज में यानी किशोरावस्था में जिस ग्रह का प्रभाव सर्वाधिक होता है आपकी कुंडली में, उसी तरह की आदतें आपके अंदर आ जाती हैं। जैसे अगर सूर्य का प्रभाव हो तो बच्चा तेज होता है, शार्प होता है, चीजों को आसानी से समझता है, मेहनत करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। और अगर सूर्य का प्रभाव होता है तो बच्चे के बिगड़ने की संभावना कम होती है। चंद्रमा का प्रभाव अगर टीन एज में होता है तो बच्चा बहुत ज्यादा चंचल होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, उसकी एकाग्रता बेहतर नहीं होती है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता है। चंचल मन की वजह से बच्चे के भटकने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। वो पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में तेज रहता है, लेकिन पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से नहीं करता, चंचलता परेशान करती है। अगर टीन एज में बच्चे के ऊपर मंगल का प्रभाव होता है तो बच्चा उद्दंड होता है, उपद्रवी होता है। ऐसे बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, उनके साथ जबान लड़ाते हैं, बदजबानी करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, घर का माहौल खराब करते हैं। तो अगर आपके बच्चे के ऊपर मंगल का प्रभाव होगा तो वो माता पिता की हर बात काटेगा, माता पिता की कोई बात नहीं मानेगा, बेवजह जबान लड़ाएगा, बेवजह चीजों को खराब करेगा। बुध का अगर बच्चे के ऊपर प्रभाव हो टीन एज में तो बच्चा चैतन्य रहता है, एक्टिव होता है,
दिमाग, बुद्धि, मन, ये सब बिल्कुल एक्टिव मोड में रहते हैं। और ऐसे बच्चे बुद्धिमान होते हैं, चीजों को समझते हैं, पढ़ाई में मन लगाते हैं और कम उम्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो जिस ग्रह का प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर टीन एज में होगा, वैसा ही उसका स्वभाव आगे के जीवन के लिए बन जाएगा। इसीलिए उसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हमने आपको बताया सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध का प्रभाव जब बच्चे के ऊपर होता है तो उसके अंदर कैसी आदतें आ जाती हैं, कैसा उसका स्वभाव बन जाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। अगर किशोरावस्था में, टीन एज में किसी बच्चे के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव हो तो बच्चा धार्मिक होता है, रिलीजियस होता है, संस्कार के मामले में और गुणों के मामले में उत्तम होता है, उसके संस्कार बेहतर होते हैं, उसके अंदर अच्छे गुण जरूर पैदा होते हैं और ऐसे बच्चे संस्कारवान, ज्ञानी और आध्यात्मिक बनते हैं आगे चल करके। जिन बच्चों के ऊपर तीन एज में शुक्र का प्रभाव आ जाता है, ऐसे बच्चे सजने सवरने के शौकीन होते हैं। रोज सुबह शाम 15 मिनट इनका समय बाल संवारने में खर्च होता है। शुक्र का प्रभाव होगा तो बच्चा सजने सवरने का शौकीन होगा, आकर्षण और प्रेम आदि के मामले में जल्दी पड़ जाते हैं। जिन बच्चों के ऊपर तीन एज में शुक्र का प्रभाव होता है, उनके प्रेम आदि में पड़ने के या अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर बच्चे के ऊपर टीन एज में शनि का प्रभाव आ जाए तो बच्चे की शिक्षा में बाधा जरूर आती है, उसकी शिक्षा रुकती है, एक साल का गैप होता है, कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाता है। यानी अगर शनि का प्रभाव है तो शिक्षा में बाधा आएगी। और ऐसे बच्चे को जिनके ऊपर शनि का प्रभाव होता है, चीजों को पाने और समझने में ऐसे बच्चों को संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे बच्चों को अपनी तीन एज से ही स्ट्रगल करने की स्थिति दिख जाती है। अगर तीन एज में बच्चे के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो यह मामला सबसे ज्यादा गंभीर होता है। अगर तीन एज में आपके बच्चे के ऊपर राहु का प्रभाव होगा तो बच्चा काफी बिगड़ जाता है, गलत खान पान और संगति के चक्कर में अपना जीवन नष्ट कर लेता है या उसका जीवन नष्ट हो जाता है। बच्चा जब तीन एज में राहु की दशा में आ जाए या राहु के प्रभाव में आ जाए, सबसे ज्यादा चैतन्य रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव अगर तीन एज में आ गया तो बच्चा गलत संगति का शिकार होगा, उल्टा सीधा खाएगा पिएगा और बहुत ज्यादा बुरी आदतें इस उम्र से वो सीख सकता है। अगर आपका बच्चा टीन एज में है, किशोरावस्था में है, किन बातों का ध्यान रखें कि आपका बच्चा बिगड़े नहीं, गलत रास्ते पे ना जाए, या अगर गलत रास्ते पे जाने की शुरुआत हो रही है तो कैसे उसे कंट्रोल में ले आएं। देखिए, बच्चे की एक आदत डेवलप करवाइए कि बच्चा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करे, बच्चे को गायत्री मंत्र का जप अवश्य करवाइए। गायत्री मंत्र हम सबके रक्त में होनी चाहिए, इसीलिए गायत्री मंत्र का जप अगर कोई बच्चा किशोरावस्था में करे, ज्यादा ना भी करे, 27 बार सुबह 27 बार शाम को करे, उस बच्चे की सुरक्षा हर प्रकार से होगी। बच्चे को रोज सुबह ब्रश करने के बाद
तुलसी का एक या दो पत्ता खिलाएं और सलाह लेकर के बच्चे के गले में एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करवाइए, बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करें तो इससे सफलता की संभावनाएं काफी ज्यादा बेहतर जरूर बन जाएंगी। और एक नया जो फैशन चला है अपने बच्चे को कॉस्मेटिक्स लगाने का या बहुत सारा परफ्यूम लगाने का, ये मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि किशोरावस्था में आपने शुक्र को एक्टिव कर दिया, अब बच्चे के भटकने की संभावना ज्यादा तो होगी ही। इसीलिए बेटा हो या बेटी हो, कॉस्मेटिक्स और सुगंध का प्रयोग कम करवाइए। ज्यादा से ज्यादा चंदन के सुगंध का प्रयोग किया जा सकता है, और किसी सुगंध का प्रयोग मत करवाइए। और बच्चे को सप्ताह में एक बार धर्म स्थान पर जरूर ले जाएं, जिस भी धर्म के संप्रदाय के मान्यता के आप मानने वाले हैं, वहां पर अपने बच्चे को जरूर ले जाएं। निश्चित रूप से बच्चे के अंदर शुभ संस्कार पैदा होंगे, और बच्चे के अंदर जब शुभ संस्कार पैदा होंगे तो बच्चे के भटकने की, बिगड़ने की संभावना नहीं रहेगी।